देखिए आई फौरसा से लेके आए का लिए हैं ये? हम अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भगवान परशुराम का फरसा लेके आए हैं। तो कैसे मारे हो क्या, क्या क्यों? नहीं नहीं मारना किसी को नहीं है। ओम प्रकाश राजभर तो आ गए सपा में जी, स्वागत है। तो अनिल राजभर का छोड़ दे बा, अनिल राजभर का तो खुदे राजभरे पारी ठिकाने लगा दी। मऊ से हैं विजय राजभर, हम सब्जी बेचे वाला के भाजपा विधायक बन रहा। कहाँ चाहिए, कितना लेवा लोगों? सब्जी बेचे वाला के विधायक के लिए बने ला कि सब्जी बेचे वाला का दर्द समझ सके। इना की सब्जी बेचत बेचत वो अपने लखनऊ बैठ जाए, जनता मऊए रह जाए। डेढ़े साल में कैसे हवेली बन गए? लोकर जवाब तो विजय राजभर दिया। जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तमाम दावे किए जाते हैं कि हमारे में दलाली नहीं चलती है, तो डेढ़ साल में हवेली कैसे खड़ी हुई? भैया का नाम है? यादव जी हवा कम बोले जला ठीक है। हम सुबह से जाहिर सी बात है, सब आयल बा थक गिल बा, लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हूँ बड़ा उत्साहित हूँ। बैठल रहत हूँ आराम फरमावत हूँ, लेकिन पहुँचते ही इतना तेज करंट आवत बा कि एकदम अखिलेश यादव जिंदाबाद बोले लगत हूँ। यहाँ पर एगो और नेताजी बाण सपा के नेता राजभर, धीरज राजभर जिला अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी। आपका नाम बा? एडवोकेट दिलीप कुमार पांडे जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा जनपद मऊ। आई देखिए आई फौरसा से लेके आए का लिए हैं? ये हम अपने महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए भगवान परशुराम का फरसा लेके आए हैं। तो कैसे मारे हो क्या, क्यों? नहीं नहीं मारना किसी को नहीं है। इस ब्राह्मण विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ के 2022 में वोट देना है। सुबह से आए थके नहीं? नहीं, हम अपने नेता के लिए 24 घंटे और सातों दिन इसी उत्साह के साथ इंतजार कर सकते हैं। हम अपने नेता का सारे नौजवान जो उपस्थित हैं 24 घंटा और सातों दिन इसी उत्साह के साथ अपने नेता का स्वागत करने के लिए हम लोग जी जान से लगा सकते हैं। पंडित जी लोग कहे नाराज हो भाजपा से? ये जो सत्ता में उत्तर प्रदेश की जो सत्ता चल रही है वो पूर्ण रूप से ब्राह्मण विरोधी ब्राह्मणों को मंत्री जी बनल हो पंडित जी लोग। मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ व्यक्ति विशेष लोगों को, जाति विशेष लोगों को उठा के पद देने का काम करे, वो अपने समाज के बारे में कुछ नहीं सोचने का काम करे। तो देखिए ये पंडित जी थे यहाँ पर राजभर, राजभर जी ओम प्रकाश राजभर तो आ गए सपा में जी, स्वागत है। तो अनिल राजभर का छोड़ दे बा, अनिल राजभर का तो खुदे राजभरे पारी ठिकाने लगा दी। काहे वो तो समय बताई का है? मऊ से माना 4.5 साल की सरकार लगभग हो गई, 5 साल 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री हमारे राजभर जी बने, हमारे जनपद से एक विधायक जी भी राजभर जी हैं। कितने राजभर समाज का इन लोगों ने भला किया ये आप पता करा लीजिए। मऊ से हैं विजय राजभर, हम सब्जी बेचे वाला के भाजपा विधायक बन रहा। कहाँ चाहिए, कितना लेवा लोगों? सब्जी बेचे वाला के विधायक के लिए बने ला कि सब्जी बेचे वाला का दर्द समझ सके। इना की सब्जी बेचत बेचत वो अपने लखनऊ बैठ जाए या जनता मऊए रह जाए। सब्जी बेचने वाले को अगर उन्होंने टिकट दिया तो ये जान के दिया कि ये गरीबों पिछड़ों मजलूबों की मदद करेंगे। अच्छा। लेकिन उसे अपने उस पर खड़ा नहीं उतरे और समाजवादी पार्टी के उसके बीजेपी के चंगुल में फंस के पूंजीपतियों के हाथ में आ गए। सब नेता बने ला कि जनता की सेवा करे, लेकिन नेता बने बाद पैसा कहाँ से इतना लगे? देखा विजय राजभर का हवेली बन गए, ये तो उनसे जवाब ले ना, एक जवाब तो बेहतर हो दिया कि डेढ़े साल में कैसे हवेली बन गए? लोकर जवाब तो विजय राजभर दिया। जब भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, तमाम दावे किए जाते हैं कि हमारे में दलाली नहीं चलती है, तो डेढ़ साल में हवेली कैसे खड़ी हुई? तो जवाब आपको विजय राजभर से लेना चाहिए, उनके दल के नेता से लेना चाहिए आपको। तू नेता बने समाज खातिर अलग, तू विजय राजभर चमकाएगा हवेली? भैया पहले हम अपने समाज को चमकाएंगे, उसके बाद बाकी बात में सोचेंगे। जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि अपने समाज को चमकाएंगे और इनके अंदर अपने समाज को लेकर के जो सोच है वो साफ दिख रही है। आप देखेंगे दूर दूर तक समाजवादियों का हुजूम लगा है, पूरा गाड़ियों का रेला लगा है। तो ये सपाइयों का उत्साह है, समाजवादियों का उत्साह है, लेकिन देखते हैं कि आगामी चुनाव में इनका ये उत्साह वोट में तब्दील होता है, अपने जो जनता है उसको आकर्षित कर पाते हैं, या इसी तरह जैसे थक हार के बैठ रहे हैं बैठ जाएंगे, या पुनः इनके अंदर करंट जग जाएगा और 22 में सरकार बना लेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ बन रहा लोगन, पूरा हमारा पत्रकारिता एकदम भदेशपन में गांव की भाषा में हुई और गांव का बात हुई, गांव की जनता का बात हुई, गांव की जनता का समस्या दिखावल जाए। तो जुड़ल रहा लोगन, खबर शेयर करा और पसंद आवे तो लाइक कमेंट भी करा।